स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिकल सेल थ्योरी की, शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत की। एपिकल सेल थ्योरी आपको पढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख ले, हम समझ लें कि एक्चुअल में एपिकल सेल थ्योरी हम क्यों अध्ययन कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जब भी हम किसी एक प्लांट की बात करते हैं, तो होता क्या है कि ये जो प्लांट है, प्लांट का डेवलपमेंट किसके द्वारा होता है? सीड के द्वारा होता है ना, बीज के द्वारा होता है। और यह बीज जब जर्मिनेशन करता है, अंकुरण करता है, तो प्रांकुर का निर्माण करता है और मूलांकुर का निर्माण करता है। ठीक है, सीड जर्मिनेशन के बाद किसका निर्माण कर रहा है? प्रांकुर का निर्माण कर रहा है और मूलांकुर का निर्माण कर रहा है। ठीक है, और प्रांकुर ही आगे चलकर जो है प्ररोह तंत्र या तना तंत्र का निर्माण करता है, वही मूलांकुर जड़ तथा उसकी सहायक संरचनाओं का निर्माण करता है, और जड़ तथा उसकी जो सहायक संरचना जो है वो जड़ तंत्र कहलाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि सीड ने जर्मिनेशन किया, प्रांकुर और मूलांकुर का निर्माण हुआ, प्रांकुर से तना का निर्माण हुआ और मूलांकुर से किसका निर्माण हुआ? जड़ का निर्माण हुआ। अब समझने वाली बात यह है कि जो सीड के अंदर जो जायगोट पाया जाता है उसमें ऐसी कोई ना कोई कोशिका होती है जो विभाजित होती रहती है। ठीक है, और उसी विभाजन के फलस्वरूप जो है इसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रांकुर का फॉर्मेशन हो रहा है, मूलांकुर का फॉर्मेशन हो रहा है, तना का निर्माण हो रहा है, जड़ का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इस कोशिका को ही मेरिस्टेम सेल कहा जाता है। ठीक है, यही विभाजित होकर जो आगे चलकर किसका निर्माण करेंगी? प्रांकुर और मूलांकुर का निर्माण करेगी। अब देखिए, जो प्ररोह तंत्र है या तना है या जड़ है, उसके शीर्ष भाग पर एक विशिष्ट प्रकार का कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, एक विशिष्ट प्रकार का ऊतक पाया जाता है, और उसी ऊतक को हम क्या कहते हैं? प्रविभाजी ऊतक या मेरिस्टमेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, और इसी जड़ या तने के शीर्ष पर पाए जाने वाले मेरिस्टमेटिक टिश्यू, जिसका निर्माण सबसे ऊपर में पाए जाने वाली कोशिका, जिसको कि एपिकल सेल कहते हैं, के द्वारा होता है। ठीक है, तो एपिकल सेल किसका निर्माण कर रहा है? मेरिस्टमेटिक टिश्यू का निर्माण कर रहा है, और मेरिस्टमेटिक टिश्यू जहां पर पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? वृद्धि क्षेत्र या ग्रोमिंग रीजन कहते हैं। और इसी मेरिस्टमेटिक या प्रविभाजी ऊतक के द्वारा अन्य कोशिकाएं, ऊतक या अन्य संगठन का निर्माण होता है। आज हम इसी से संबंधित जो सिद्धांत है उन सिद्धांत का वर्णन करने वाले हैं। देखिए, आपने देखा है कि जड़ और तना का निर्माण हुआ, तो तना के शीर्ष पर पाया जाने वाला जो ऊतक होगा वो क्या कहलाएगा भाई? तना के शीर्ष पर पाया जाने वाला जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू होगा वो क्या कहलाएगा? एपिकल सूट मेरिस्टेम कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? एपिकल सूट मेरिस्टेम कहलाएगा, या जिसे हम प्ररोह शीर्षस्थ उपज्योतक कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, प्ररोह शीर्षस्थ उपज्योतक कहते हैं। अब ये एपिकल सूट मेरिस्टेम कहां पर पाया जा रहा है? तना के शीर्ष पर पाया जा रहा है, और इसका काम क्या है? यहां तने के अन्य ऊतक यौन संगठन का निर्माण करता है। तो किस प्रकार से निर्माण करता है, इसको बताने के लिए अनेक सिद्धांत दिए गए हैं, और इन्हीं सिद्धांतों में एक सिद्धांत है एपिकल सेल थ्योरी, दूसरी थ्योरी है हिस्टोजन थ्योरी, और तीसरी थ्योरी जो है वो है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि एपिकल सूट मेरिस्टेम किस प्रकार से तने के अन्य ऊतक एवं संगठन का निर्माण करता है, इस बात को बताने के लिए अनेक सिद्धांत दिए गए हैं, और इन्हीं सिद्धांतों में हम बात कर रहे हैं एपिकल सेल थ्योरी की, हिस्टोजन थ्योरी की और ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। तो आज हम केवल और केवल कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे? एपिकल सेल थ्योरी या शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है हाफ मिस्टर के द्वारा 1852 में किया गया है। ध्यान रखिएगा कि इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है हाफ मिस्टर के द्वारा 1852
52 में किया गया, 1852 में इसको बताया गया, लेकिन इसकी विस्तृत व्याख्या जो है वो नेगेली के द्वारा 1858 में किया गया। कई जगह पर नेगेली को ही इसका प्रतिपादक माना जाता है। अब देखिए यह सिद्धांत कहता क्या है। अब यहां इस सिद्धांत के बारे में एक और बात थोड़ा समझ लें कि यह ऐसा पहला सिद्धांत है जिसने पौधों में शीर्षस्थ संगठन की व्याख्या की। ठीक है, ये फर्स्ट थ्योरी है जिसके द्वारा किसी प्लांट में एपिकल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, इस बात को इस सिद्धांत के द्वारा सबसे पहले बताया गया है। अब देखिए ये सिद्धांत क्या कहता है कि ये सिद्धांत कहता है कि एपिकल सेल जो प्रणवों के शीर्ष पर पाई जाती है, कहां पे पाई जाती है, यह तना तंत्र के शीर्ष भाग में पाई जाती है, प्रणवों तंत्र के शीर्ष भाग में पाई जाती है, जो शीर्षस्थ विद्युतक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है कि यहां शीर्षस्थ विद्युतक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जो सक्रिय होकर संपूर्ण पादप शरीर की वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करती है। तीन चार बातें यहां पर क्लियर हुई। सबसे पहली चीज, ये सिद्धांत क्या कहता है कि एपिकल सेल जो है वह प्ररोह के शीर्ष पर पाया जाता है और यही विभाजन करकर किसका निर्माण करता है, शीर्षस्थ विद्योतक ऊतक का निर्माण करता है, और इसी शीर्षस्थ विद्योतक ऊतक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई एपिकल सेल होती है, और यही सेल सक्रिय होकर विभाजन करके जो है पौधे के वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करने का कार्य करती है। अब देखिए थोड़ा सा समझे, डायग्राम की तरफ अगर आप देखें तो डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं, डायग्राम में हम ये देख रहे हैं कि ये जो सबसे ऊपर वाला जो भाग है ये एपिकल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे शीर्ष भाग पर जो सेल पाई जा रही है वह सेल क्या है, एपिकल सेल्स है, जो कि प्राइमोर्डियल सेल के जस्ट ऊपर की ओर होती है। ध्यान रखिएगा, प्राइमोर्डियल सेल्स के जस्ट ऊपर की ओर होती है और यह एक या अनेक प्रकार से विभाजित हो सकती है। ये एक्चुअल में ये तीन प्रकार ये इस तरह से होती है, ये इस तरह से ये दिखाई देती है। ठीक है, ये तीसरा हिस्सा जो है पीछे की ओर होता है। तो ये क्या हुआ भाई कि ये अब इसको यहां पर समझे, डायग्राम को समझे, यहां पर ये कौन सी सेल है, एपिकल सेल्स है, एपिकल सेल्स ये क्या अनेक प्रकार से विभाजित हो रही है, और जब ये विभाजित हो रही है तो ये नीचे की ओर जो है वो कोशिकाओं को बना रही है, और ये जब ये लगातार नीचे की ओर कोशिकाएं बनाती है तो ये जो ऊतक बनता है ये कौन सा ऊतक बनेगा, ये बनेगा प्रविभाजी ऊतक बनेगा, और इसी प्रविभाजी ऊतक के द्वारा फिर अन्य प्रकार के टिश्यू का फॉर्मेशन किया जाता है। ये नीचे की ओर लगातार ये बढ़ते जाते हैं, और इस नीचे की ओर बढ़ने की वजह से इस ऊतक के द्वारा पौधे की लंबाई में वृद्धि की जाती है। तो ठीक है, यहां पर ये बात समझ में आ गई होगी कि एपिकल सेल्स कहाँ पाई जा रही है, पौधों के शीर्ष पर पाई जाती है, चाहे वो जड़ हो या तना के शीर्ष पर पाई जाती है, जो कि शीर्षस्थ विद्युतक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, और यही डिवीजन करने के बाद अन्य सेल टिश्यू या ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करती है। आगे देखिए, स्पेशली यहां पर एक नोट लिखा हुआ है कि यह सिद्धांत निम्नवर्गीय पौधों जैसे कि शैवाल, ब्रायोफाइट्स एवं टेरिडोफाइट्स के लिए लागू होता है। क्यों लागू होता है, क्योंकि इनके शीर्ष पर जो है वो एपिकल सेल्स पाई जाती है। तो आपने देखा कि यह सिद्धांत जो है वो निम्न वर्गीय पौधों के लिए ही लागू होता है, लेकिन हायर प्लांट के लिए ये लागू नहीं होता, उच्च वर्गीय या बीजी पौधों के लिए लागू नहीं होता। ऐसे पौधे जिनमें बीज उत्पन्न होते हैं उनके लिए लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उनमें एपिकल सेल नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आप समझ गए होंगे जो चीज हम बताना चाह रहे हैं, एपिकल सेल थ्योरी को जो बताना चाह रहे हैं उस चीज को आप आसानी के साथ समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा हिस्टोजन थ्योरी पर। कौन सी थ्योरी पर होगा, हिस्टोजन थ्योरी पर हमारा नेक्स्ट वीडियो आधारित होगा। तो मिलते हैं फिर उसी वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।